हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएल के एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है और वो है एल्गोरिथम। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया और इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी चांसेस हैं। क्या होता है एल्गोरिथम बेसिकली? देखिए, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक पार्ट होता है जो आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कोडिंग, जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, जिसमें हम लोग उस प्रोग्राम को लिखते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम को कोड करने से पहले कई सारे स्टेप आते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। जैसे वो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, इसके लिए जो हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। साथ ही साथ देखिए, अगर अगर हम नॉर्मल वे में बात करें, तो हम लोग के घर में भी अगर जब कभी कोई फंक्शन होता है, कोई बड़ी पार्टी होती है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उस पार्टी की तैयारियों के लिए एक पेपर में पूरा शेड्यूल लिखते हैं कि किस दिन क्या क्या होगा, हमें क्या क्या काम करना होगा उसके लिए। यानी वो पार्टी फाइनली कैसे एग्जीक्यूट होगी, इसके लिए पूरी प्लानिंग करनी होती है। तो वैसे ही किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी पूरी एक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, और सेम किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी एक पूरी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग पेपर की मदद से लिखते हैं। तो वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज एल्गोरिथम। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में, एल्गोरिथम का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर बेस्ड एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट दोनों ही हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं, हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के इस कंप्यूटर के ओ लेवल बैच में ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, उनको सिर्फ रिवीजन करना है। इस समय ध्यान रखें, जितनी भी वीडियोस यहां पर हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज करिएगा। एक बार वीडियो देखिएगा और दूसरी बार जब रिवाइज करिएगा तो पीडीएफ की मदद से करिएगा। जब आप रिवाइज करते हैं तो सिर्फ पीडीएफ आपके पास में होनी चाहिए, और फर्स्ट टाइम आप वीडियोस की मदद से। वो कैंडिडेट्स जो अभी तक इससे नहीं कनेक्ट हुए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट्स भी इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। इस बैच की फैसिलिटीज क्या क्या हैं तो आप देख लीजिए एक बार। 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है। बैच की टाइमिंग 6 पीएम, 60 प्लस आवर का कोर्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ऑल पीडीएफ नोट्स, और वैलिडिटी 12 मंथ्स की यानी 1 ईयर की, जहां पर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप भी अगर एनरोल करना चाहते हैं इस बैच से तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी एनरोल करने के लिए बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल मिलेगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे डायरेक्ट अपनी क्वेरी कर सकते हैं। इस बैच की एनरोलमेंट फीस बहुत लिमिटेड रखी गई है, दैट इज 799 ओनली, जहां पर ये गारंटी ली जा रही है कि इसके बाहर कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जितना करवा देंगे वहीं से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और 50 में से 40 प्लस आपका स्कोर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एल्गोरिथम का बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट। तो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया एल्गोरिथम से, सबसे पहले इस पर डालते हैं एक नजर। ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है एल्गोरिथम। देखिए, कुछ लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो अचीव करना या फिर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करते हैं, दिस इज वॉट वी कॉल्ड एल्गोरिथम। तो यहां तो क्वेश्चन काफी आसान देखने को मिला है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड बनते हैं जो यूपी पीसीएल के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड।
एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको ये जानना है कि हम इसको लिखते कैसे हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको एक पेन खरीदना है मार्केट में जाकर, तो इसकी एल्गोरिथम क्या होगी? ये कोई भी स्टेप हो सकते हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे गेट ड्रेस टू गो टू दी मार्केट, तैयार होंगे सबसे पहले मार्केट जाने के लिए। चेक योर वॉलेट फॉर दी मनी, अपने वॉलेट में चेक करेंगे कि मनी अवेलेबल है या नहीं। इफ देयर इज नो मनी इन दी वॉलेट, रिप्लेनिश इट। अगर मनी अवेलेबल नहीं है तो फिल करेंगे वॉलेट को। गो टू दी शॉप, शॉपकीपर के पास जाएंगे। आस्क फॉर दी फेवरेट ब्रांड ऑफ पेन, उससे पूछेंगे ब्रांड ऑफ पेन के बारे में। इफ पेन इज नॉट अवेलेबल, गो टू स्टेप 7। अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, और अगर मिल गया तो स्टेप 10 को फॉलो करेंगे। स्टेप 7 क्या है? गिव मनी टू दी शॉपकीपर। अगर अवेलेबल है तो हम उसको मनी दे देंगे और पेन खरीद लेंगे। कीप दी परचेज पेन सेफली, और उस पेन को बहुत अच्छे से रख लेंगे अपने पास में कि कहीं खो ना जाए और छूट ना जाए कहीं शॉप पर। गो बैक होम, और बहुत ही सुरक्षा के साथ में घर भी चले जाएंगे, है ना? तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर पेन नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे? आस्क फॉर अनदर ब्रांड ऑफ पेन। अगर पेन नहीं समझ में आता तो दूसरी ब्रांड के पेन के लिए डिमांड करेंगे, और फिर इसके बाद स्टेप 7 से फिर से हम फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं, जो सिंपल जैसे हम लोग डेली लाइफ में लिखते हैं, एक शेड्यूल फिक्स करते हैं, वैसे ही कुछ एल्गोरिथम होती है। कंप्यूटर के मैनर में अगर हम बात करें यहां पर, तो स्टेप फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, यानी एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कुछ सर्टेन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सबसे पहले एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, इसके बाद उसका स्यूडो कोड लिखेंगे। स्यूडो कोड कुछ कुछ प्रोग्रामिंग के टच में होता है, जहां पर किस सॉफ्टवेयर का यूज हम करने जा रहे हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, कौन सा कंपाइलर होगा, इस लैंग्वेज के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, हम कौन से लूप उसमें लगाएंगे, है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग के फॉर्म में स्यूडो कोड में लिखते हैं। फिर उसको हम ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट की मदद से, और फाइनली हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, है ना, कोडिंग करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारे चार बेसिक स्टेप होते हैं, याद रखिएगा, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एल्गो, फिर स्यूडो कोड, फिर फ्लो चार्ट, और फाइनली क्या है? प्रोग्राम डेवलपमेंट, यानी कोडिंग का पार्ट। समझ में आ गया? आगे देखिएगा। अब एल्गोरिथम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसको आपको याद रखना है, वो क्या है? पहला पॉइंट, फर्स्ट एल्गोरिथम वॉज रिटन बाय, जो सबसे पहली एल्गोरिथम है उसको किसने लिखा? एडा लवलेस जी ने। रिटन बाय एडा लवलेस। नंबर वन, किस ईयर में पहली एल्गोरिथम लिखी गई? तो 1843 में सबसे पहली एल्गोरिथम को लिखा गया। एल्गोरिथम होती क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, या किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एल्गोरिथम। तो ये तीन पॉइंट समझ में आए आपको। नेक्स्ट देखिए, अब अगर एल्गोरिथम के क्वेश्चंस पर डायरेक्टली बात करें, तो ये पूरा डिजिटल का जो वर्ल्ड है वो एल्गोरिथम पर चलता है। जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? एल्गोरिथम होती है, जिसके थ्रू वो काम करती हैं। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एल्गोरिथम से। जैसे पहला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर एल्गोरिथम? कंप्यूटर की एल्गोरिथम किसके द्वारा इन्वेंट की गई? बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप, एलन ट्यूरिंग, डेनिस रिट्ची, रेसमस लेरडॉर्फ, या एडा लवलेस। तो अभी आप लोग ने पढ़ा था कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एडा लवलेस इज दी वेरी वेरी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम इज फॉर, कह रहा है जो सबसे पहली कंप्यूटर की एल्गोरिथम लिखी गई एडा लवलेस जी के द्वारा, वो क्यों लिखी गई, वो किस पर बेस्ड थी? एडिशन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, ऑड इवन नंबर्स पर बेस्ड, रियल नंबर्स पर, या बर्नौली नंबर्स पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज बेस्ड ऑन बर्नौली नंबर्स, यानी फिफ्थ यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। याद रखिएगा, दैट इज बेस्ड ऑन
बर्नौली नंबर्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर एल्गोरिथम इन्वेंटेड इन विच ईयर, कह रहा है कंप्यूटर की जो एल्गोरिथम थी इसको किस ईयर में लिखा गया, इन विच ईयर। तो अभी आप लोग ने देखा कि एल्गोरिथम एडा लवलेस जी ने लिखी और वो ईयर रहा आपका 1843। तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आफ्टर राइटिंग एल्गोरिथम यू मस्ट राइट, कह रहा है एल्गोरिथम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, फ्लो चार्ट, कोड, प्रोग्राम, सीडो कोड या फिर कंपाइलर। तो एल्गोरिथम के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो क्या है, बिल्कुल सही, दैट इज स्यूडो कोड। और थर्ड स्टेप होता है फ्लो चार्ट। तो यानी सेकेंड स्टेप बनेगा आपका स्यूडो कोड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट आर दी थ्री एल्गोरिथम कॉन्स्ट्रक्ट्स, कह रहा है एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए तीन बेसिक नेसेसिटी क्या है, तीन बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट्स क्या है, सीक्वेंस, सिलेक्शन या रेपिटेशन, इनपुट आउटपुट या प्रोसेस, इनपुट आउटपुट डिसीजन या टर्मिनेटर, लूप, इनपुट आउटपुट या प्रोसेस या ऑल ऑफ दीज। क्या लगता है आपको एक एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स नेसेसिटी क्या हो सकती है? वेरी गुड, सबसे पहले एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री सीक्वेंस होना चाहिए। फिर सिलेक्शन होना चाहिए कि हम किस किस स्टेप को सिलेक्ट करेंगे, कैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, कैसे इंस्ट्रक्शंस आगे एग्जीक्यूट होंगी, तो एक सिलेक्शन होना चाहिए। फिर रेपिटिशन, यानी रिपीट होनी चाहिए वो बातें, है ना, जो हम उसमें कहना चाह रहे हैं वो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए होनी चाहिए। तो रेपिटिशन यहां पर मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए कि अगर वो चीज फुलफिल नहीं होती, जैसे अभी हम लोग ने देखा था यस और नो के मैनर में, कि अगर यस हुआ तो ठीक है, नो हुआ तो फिर से जाएंगे, है ना, तो रेपिटिशन का भी वहां पर यूज होना चाहिए, यस या नो के मैनर में। डिसीजन मेकिंग भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटिशन। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीपीसीएल के एग्जाम में। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड बाय, किसी भी एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है, जो काम करने का तरीका है, कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है, ये कैसे पता चलेगा। मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम जो सबसे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रही है वो सबसे बेस्ट है। मिनिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम, जो सबसे कम मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रही है वो बेस्ट है। एवरेज मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम या मैक्सिमम डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड या नीडेड, क्या लगता है आपको? तो जो सबसे कम मेमोरी को यूटिलाइज करेगी वही एल्गोरिथम हमारी सबसे बेस्ट होगी, राइट? तो ऐसा प्रोग्राम जो कम एमबीज में हो, जो कम जीबीज में बना हुआ हो और काम भी वो एग्जैक्ट करे, है ना, वही सॉफ्टवेयर तो हमारा बढ़िया होता है। कोई भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें इंस्टॉलेशन में कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही है। तो यानी एल्गोरिथम बनाते समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मिनिमम मेमोरी नीडेड फॉर दैट पार्टिकुलर एल्गोरिथम। तो यानी सेकेंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शंस आर रिटन फ्रॉम, कह रहा है एल्गोरिथम को लिखते समय जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस मैनर में होते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप या एनी ऑफ द ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज द करेक्ट वन। क्लियर है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ एल्गोरिथम विच इज रिपीटेड फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स कॉल्ड, कह रहा है एल्गोरिथम का वो पार्ट जो बार बार रिपीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि रिपीटिशन भी एक पार्ट होता है एल्गोरिथम का, तो एल्गोरिथम का रिपीट होना ये क्या कहलाता है, सिलेक्शन, रिवर्स सेक्शन, सीक्वेंस, रेपिटिशन या आइट्रेशन। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं आइट्रेशन। रिपीट होने का मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशंस, कितनी बार वो रिपीट हुआ, एक बार एक आइट्रेशन, दो बार दो आइट्रेशन, तीन बार थ्री आइट्रेशंस एंड सो ऑन। नेक्स्ट, एनी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम,
कह रहा है कोई भी एल्गोरिथम एक प्रोग्राम हो सकती है, ये बात सही है, ट्रू है, फॉल्स है, मे बी, कांट से, या ईदर ट्रू और फॉल्स, बताइए। तो एनी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम, देखिए कोई रिलेशन ही नहीं है। एल्गोरिथम का यूज किया जाता है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, और एनी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हेन एल्गोरिथम टू बी यूज्ड, कह रहा है एल्गोरिथम का जो इस्तेमाल है वो हम कब करते हैं, ओनली विद कंप्यूटर्स, सिर्फ कंप्यूटर्स के साथ में, ओनली व्हेन प्रोग्रामिंग, जब हम एक प्रोग्रामिंग करनी होती है, ओनली विद दी फ्लो चार्ट्स, जब फ्लो चार्ट डेवलप करना होता है तभी एल्गोरिथम का यूज करते हैं, या एनी टाइम टू डिजाइन दी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, जब भी हमें हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टास्क आता है, तब हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं उस पार्टिकुलर टास्क, उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। वैलिड है कि जब भी हमारे सामने कोई टास्क आता है तब हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं, तो एनी टाइम टू डिजाइन दी सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इट इज एन एल्गोरिथम यूज्ड बाय गूगल सर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, उस एल्गोरिथम का नाम बताइए जो कि गूगल सर्च के द्वारा यूज की जाती है टू रैंक वेब पेजेस इन देयर सोशल इंजन रिजल्ट, जिसकी मदद से वेब पेजेस को रैंक किया जाता है सर्च इंजन में। जैसे आप लोग कभी कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर, तो आप देखते हैं कुछ रिजल्ट तो सबसे पहले आ जाता है, कुछ उसके नीचे, कुछ उसके नीचे, कुछ उसके नीचे, कुछ पेज टू पर पहुंच जाता है रिजल्ट, कुछ पेज थ्री पर पहुंच जाता है रिजल्ट। तो कह रहा है इसके पीछे जो गूगल की सर्च एल्गोरिथम है वो कौन सी है, SVD, फास्ट मैप, SEO, पेज रिंक या पेजर? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेज रिंक। तो गूगल जिस एल्गोरिथम का यूज करता है फॉर दी सर्चिंग दी आइटम्स और सर्चिंग दी कीवर्ड, यू कैन से दैट इज पेज रिंक। नेक्स्ट, विच इज दी गूगल एल्गोरिथम, कह रहा है इसमें से गूगल के एल्गोरिथम का नाम बताइए। देखिए गूगल के एल्गोरिथम बहुत सारी हैं, और गूगल क्या करता है अपने एल्गोरिथम को हर साल या हर 6 महीने में अपडेट कर देता है। अब तो गूगल अपनी एल्गोरिथम को हर क्वार्टरली अपडेट करना शुरू कर चुका है, हर क्वार्टर में अपनी एल्गोरिथम को अपडेट कर देता है। तो इसकी एल्गोरिथम कौन कौन सी है, नाम बताने हैं आपको, पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पीजियन एंड फ्रेड, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी गूगल की एल्गोरिथम है। हमिंग बर्ड बहुत फेमस रही है, तो पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पीजियन एंड फ्रेड, दीज ऑल आर कॉल्ड द एल्गोरिथम ऑफ गूगल, जिसका यूज गूगल करता है समय समय पर। राइट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन, नेम द एल्गोरिथम यूजेस बाय द फेसबुक, फेसबुक भी तो एल्गोरिथम का यूज करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं उससे रिलेटेड एड्स आपको फेसबुक पर भी देखने को मिलते हैं। राइट? जैसे आपने गूगल में परफ्यूम सर्च किया या डियो सर्च किया, तो अब डियो रिलेटेड जो एड्स होंगे वो आपको फेसबुक में भी देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब कि गूगल और फेसबुक की जो एल्गोरिथम है वो मैच है। तो आपको बताना है कि फेसबुक कौन सी एल्गोरिथम का यूज करती है, पांडा, पेंगुइन, एज रिंक, पीजियन एंड फ्रेड, या फिर बर्ट? तो पांडा, पेंगुइन, पीजियन एंड फ्रेड और बर्ट ये तो आपकी गूगल की हैं, जबकि एज रिंक आपकी किसकी है, फेसबुक की। तो आंसर क्या होगा, दैट इज एज रिंक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी गूगल लेटेस्ट सर्च एल्गोरिथम, कह रहे हैं अभी आप लोग ने देखा गूगल की बहुत सारी एल्गोरिथम हैं जो गूगल अपने आप को अपडेट कर रहा है एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे नाम आप लोग ने सुने। आपको बताना है गूगल की लेटेस्ट सर्च एल्गोरिथम कौन सी है, पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पीजियन एंड फ्रेड या बर्ट? इसका मतलब ये सभी गूगल की एल्गोरिथम है, लेकिन इसमें कोई ऐसी एल्गोरिथम है जो लेटेस्ट है, वो कौन सी है? तो आंसर है बर्ट इज दी करेक्ट वन। बर्ट की फुल फॉर्म क्या बनेगी, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, ये गूगल द्वारा यूज की जाने वाली लेटेस्ट एल्गोरिथम है, दैट इज बर्ट। समझ में आ गया? देखिए एल्गोरिथम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है ये,
आप जानते हैं फेसबुक ने भी मेटा अपनी पेरेंट कंपनी का नाम रख दिया है, जो बता रहा है कि वर्चुअल रियलिटी पर फेसबुक पूरे तरीके से काम करने जा रहा है। और हर जगह पर अगर हम बात करें, चाहे वो वर्चुअल दुनिया हो या फिर वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हर जगह एल्गोरिथम का यूज होता ही होता है। क्यों? जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं उससे रिलेटेड एड शो होने लगते हैं, तो हर एक के पीछे क्या लगी हुई है, एल्गोरिथम काम कर रही है जो हमारे सेंस को समझती है। जैसे अगर कोई बैड कमेंट कोई करता है कहीं पर, तो फेसबुक उसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। या आपने देखा होगा कि फेसबुक पर अगर कोई गलत पोस्ट की जाती है तो फेसबुक उस पोस्ट को ऑटोमेटिक क्या करता है, रिमूव कर देता है। या अगर कोई ऐसी वीडियो जो कि नहीं आनी चाहिए और यूट्यूब पर अगर आ गई वो, तो यूट्यूब भी क्या करता है, उस वीडियो को डिलीट कर देता है या हाइड कर देता है। तो ये सब एल्गोरिथम है जो ऑटोमेटिक काम करती हैं, यहां कोई मैनुअल काम नहीं हो रहा है। कोई पर्सन बैठ के ये नहीं देख रहा है कि ये कमेंट सही है या गलत है, ये एल्गोरिथम काम कर रही है जो ये डिसाइड करती है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपने सुना होगा कि फेसबुक काफी चर्चा में भी रही थी पीछे, हेट स्पीच की वजह से, कि ये देखा जा रहा था कि फेसबुक जो है वो ऐसी पोस्ट को डिलीट नहीं कर रही है जिसमें बैड कमेंट्स हैं या बैड गलत गलत चीजें लिखी हुई हैं, बल्कि उसमें एड भी चल रहे थे। तो ये कहा गया कि फेसबुक जो है वो हेट स्पीचेस को प्रमोट कर रहा है। तो फिर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जी ने ये कहा कि रुक जाइए, हम अपनी एल्गोरिथम में क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो हमेशा एल्गोरिथम में अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है समय समय पर, और ऑटोमेटिक काम हो इसके लिए एल्गोरिथम को डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? तो आई होप सो कि एल्गोरिथम का सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में क्या यूज होता है यह आपको समझ में आया होगा। आज के ट्रेंड में एल्गोरिथम किस तरीके से यूज हो रही है यह आपको समझ में आया होगा। जितनी अच्छी एल्गोरिथम होगी उतना ही अच्छा वो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स करेगा ऑटोमेटिक मैनर में रियल वर्ल्ड में। तो आई होप कि एल्गोरिथम से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस थे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।